सभ्य समाज बनाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ शरीर में ही स्वच्छ मन का निवास करेगा। और मन जब तक आपका अच्छा नहीं होगा तब तक आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। स्वस्थ शरीर, हेल्दी, हेल्दी मतलब मोटा, लेस सोटा, मोटा। हेल्दी का मतलब लोग क्या लगाता है? मोटा। जीम, जीम, जीम से बॉडी बन सकता है, बना लेता है लोग डिब्बा वाला कैची कैची घोड़ के खाता है, प्रोटीन कहता है उसको, है? अब तो उस पर रिसर्च आ गया है कि अगर ज्यादा खाया तो कितने लोगों का हार्ट, अभी अक्षय कुमार का नाम सुने नहीं? आप लोग तो अपने अक्षय कुमार हैं, कितना है अक्षय कुमार इन दिनों, अभी कौन फिल्म है को उसका आया ना मिशन मंगल, 178 करोड़ कमाया है, कितना आप कितना? 78 रुपया, 178। अरे हम सुनेंगे तो किसका सुनेंगे? चौकी वाला का सुनेंगे? अरे लेवलो देखेंगे कि ससुर लेवलो कर का है तोहर सुन, चल चल साइकिल पर घूम ही हमारा सुना में हम। अभी साइकिल से पहले मोटरसाइकिल पर आ, फिर चार चक्का पर आ, तब ना सुनेंगे लेवल क्या है तुम्हारा। बाबू के पैसा पर जींस पहन के घूम रहे हैं। अक्षय कुमार क्या कह रहा था टेलीविजन पर, सो सुन लीजिए। शाकाहारी है, योग करता है, ध्यान करता है, 4 बजे सुबह में जग जाता है। अब उसका नहीं सुनेंगे, किसका सुनेंगे? वो बगल वाला जो रूम वाला छोरा था ना, वो आया आ कहा तू हो आंख उख बंद करे लगली रे, तू तो चौकी पर सुता हले, तोरो चौकी वाला बड़ा खेला चाहता है, लेवल तुम्हारा नहीं बना। अक्षय कुमार कहता है कि साहब वो जो डिब्बा वाला आप लोग ले रहे हो क्या कहते हैं प्रोटीन, वो कह रहा था कि वो नहीं लो, उससे हार्ट अटैक और इन चीजों का खतरा बढ़ जाता है। अगर किसी को मोटा मोटा काहे बनना चाहता है इन दिनों जानते हैं, डिमांड कहता है डिमांड है, तब तो हम लोगों का डिमांडे नहीं होता, ब्यासा दिन नहीं होता है, हम लोग कुंवरे रह जाते हैं। निशांत रंजन को भाई हम तो, वो तो मोटा तगड़ा था हो गया, तब तो हमारा कोई नहीं पूछता, तब तो आप लोग कहते कि देखे नहीं ब्याह न होले अभी तक है, बुरबक बैताल बिहारी छुछुन्नर छाप। चलिए आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, अच्छा लगता है। इसलिए भैया दूसरे के कहने में कमजोरी हुआ, हमको भटका दिया। क्या भटकाया? मामू का बेटा आया था, तो और मामू का बेटा क्या करता है, गांव में भैंसी पाले हुए है। अरे भटकाया तो कौन भटकाया? आईएएस भटका दिया तोरा, वो तो हमको देखू नहीं देता है। आईपीएस भटका दिया तुमको, मेडिकल का बहुत रिसर्च स्कॉलर वाला व्यक्ति था, साइंटिस्ट था, वो भटका दिया तुमको, तुम मान सकते? कोई औकात नहीं, टोटी खोल ले, वो हमारा भटका दिया, वो तो भटकाइबे करेगा, वो चाहेगा जो हमारे बिरादरी में हरदम बनल रहे। भटकाने वाला का लेवल भी देखना होगा भैया, खान पान ठीक कर लो। शाकाहारी क्या बात करते हैं, 1 महीना सावन था रे बाप, मुर्गा उर्गा छोड़े हुए थे भोला बाबा के चलते। शाकाहारी जितने साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, मुझे कहने में कोई डर, मैं जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं, आपको समझा तो सकता हूं, मानना न मानना आपकी बात, जितने साइंटिस्ट हैं वैज्ञानिक हैं सब लगभग 99% है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम बचपन से शाकाहारी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में क्या कहता है, नहीं खाएगा तो प्रोटीन नहीं मिलेगा, आ इतना ना प्रोटीन ले लेता है, हैं? कलाम साहब लगता है कम प्रोटीन खाए थे, हम लोग बिहार में इतना प्रोटीन खा लेते हैं कि पचबे नहीं करता है। इसलिए भैया अच्छा ये बताइए, आप लोग तो विद्वान आदमी हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ सब अधगल गगड़ी, भारत का सबसे बड़ा पहलवान
अभी बोलिए ना, दारा सिंह खली देखे हैं, खली को देखे हैं, आपके चौकी पर सुतेगा तो क्या होगा? द ग्रेट खली देखे हैं? बाप रे बाप, मांसाहारी की शाकाहारी, कितना के उस अखाड़ा में कूच दिया। अमेरिका वाला सब आया था, मुर्गा मुर्गी बकरी बत्तख खा के, आ हमारा ग्रेट खली जो शाकाहारी था केला दूध वाला, वो गया हुमच दिया। उसको देखिए के डरता है सर। तो हम ही कैसे मान ले आपका बात कि भाई मुर्गा के रस में या मुर्गा के टांग में बहुत ताकत है? आए? आपके कहे से मान लेंगे जिसका अपने चूता है, जिसका कोई औकाद नहीं है? हम औकाद वाला का मानेंगे कि बेऔकाद वाला का ही बताइए? हैं? बेऔकाद वाला हमर कोई कुछ कह देगा तो मान जाएंगे तुम? इसलिए भैया ये भी कभी कभी सोचना, कोई अगर आपको भ्रमित करता है तो आप देखना इसका औकाद क्या है। साइकिल पर चढ़ा है, चौकी पर सोता है, छिटकिनी लगावा है तो हमहूँ लगावा ही, फिर इसका बात हम स्वीकार कर लें तब तो हमारा लेवल आने वाले दिन, अगर चौकी वालों का बात माना गया तो हम आने वाले दिनों में चौकी से तनी नीचे बेंच रहता है, हम बेंच वाला और नीचे हो जाएंगे। अब बेंच वाले का बात मानने लगेंगे तो नीचे बैठने लगेंगे। हैं? अरे ये भी तो समझिए, कितना समझाएं आपको, आपके खोपड़िए में ना जाने कौन कीड़ा घुस गया है। इसलिए भैया खान पान ठीक करिए, सुबह में नाश्ता जरूर लीजिए, अंकुरित अन्न हिसाब से खाना खाइए, इतना इतना भात मत खाइए, ना लीजिए कम लीजिए, कम खाना खाइए, ज़्यादा खाने से माइंड कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे कम करिए, चार रोटी लीजिए, थोड़ा सा सब्जी लीजिए। देखिए हमारे अभिषेक जी खाना कम कर दिए हैं, अभी बोल रहे थे प्रवचन, चेहरा चमक गया, बहुत सारा लाइन मिल रहा है, अभी भी हमको कहते हैं भैया ऐसा बात आपको पता कैसे चल जाता है, तो हम शुद्ध सात्विक खाना करते हैं, जैसे ही आंख बंद करते हैं आप पर ध्यान लगाते हैं सब बात पता चल जाता है। अब देखो मैं हंसते हंसाते आपको गंभीर बातें बता रहा हूं, जो कि हम जानते हैं कि बहुत अगर मूड उड बना के बोलेंगे कहां फंसा दिया रे, चाट गेलो तू तो पहले ही से चटायल है, सबसे बुर्बक गोनू झा तोरा हम ही लगा ही हो, कि चटाइले को हम चाटे माने जुठा हम खाएं, बुर्बक बैताल बिहारी कहाँ के झोला छाप कबूतर खाए वाला, आप लोग बहुत अच्छे लोग, गर्दा छोड़ा देंगे गर्दा, उठगिया घरे जाके झुलपी देखा के यहाँ का बुझ के लुअल की झाल बजवाएगा, नायकन सब कुछ बैठल होगा कह रहे हो बाप रे बाप, तो कहल के वहाँ जब मोटिवेशन है मोटिवेशन, मुँह न कान धबुआ दुकान, चलिए आप लोग बहुत अच्छे लोग, हमारा काम यही है, हमको प्रवचन नहीं आता है वो ये लोग देते हैं, निशांत जी और अभिषेक जी हैं, राजीव जी हैं और भाई लोग हैं, हम तो गुरु जी के क्या हैं, कोई पूछे आपसे कि मनीष जी क्या हैं क्या कहिएगा? नगर निगम के कर्मचारी देखे हैं, कभी कभी नाला जाम हो जाता है, नाला बदबदाने लगता है, आपके हॉस्टल लॉज में भी होता होगा गली में, तो बड़की फट्ठी झाड़ू आ बाल्टी लेके आता है, क्या करता है? फट्ठी को पूरा डालता है। हमारी ड्यूटी वही है, आपको साफ करना, आपको ऐना दिखाना। इसलिए भैया खान पान ठीक करो, भोजन को शुद्ध करो, भोजन अच्छा होगा तो माइंड भी अच्छा होगा, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जब भी भोजन की थाली आगे में आए आप प्रयोग करके देख लो, एक महीने के प्रयोग क्या करो, उस भोजन को प्रणाम करो। अपने यहां नियम था क्या, प्रणाम किया जाता था, मन ही मन दो से तीन बार गायत्री मंत्र करो कि ये भोजन है मेरे लिए, क्या है ये भोजन, प्रसाद है। भारत के लोग खाना नहीं खाते थे, भोजन प्रसाद ये नियम था, अब तो हम खाना खाते हैं, खाना है
इसलिए भैया इसका लाभ देखो, और जितना ही मन शुद्ध होगा पढ़ने में उतना ही मन लगेगा, जितना ही मन गंदा रहेगा पन्ना पलटते रहोगे रिजल्ट मिलेगा जीरो। इसलिए बेसिक चीज समझिए, अगर बेसिक नहीं समझे तो लाभ नहीं मिलेगा, नहीं तो आईएएस बन के भी आईपीएस बन के भी क्या कीजिएगा, ठोक लीजिएगा, गेल थी चचा कानपुर में हल्थी बहाली। इसलिए भोजन की सात्विकता पर ध्यान दीजिए, पानी खूब पीजिए, सुबह में जागरण के साथ दो गिलास गर्म पानी। जापान की एक संस्था है सिग्नेट एसोसिएशन, आज हम हेल्थ पर ही बोलेंगे, गायत्री पर बोल दिया गया है, सिग्नेट एसोसिएशन ने रिसर्च किया है कि बिना ब्रश किए सुबह सुबह जो आप बासी मुंह पानी पीते हैं, जिह्वा पर जो व्हाइट परत लगा रहता है वो घोल के रूप में जब बॉडी के अंदर जाता है तो एंटी वैक्सीन का काम करता है, रोग निरोधक क्षमता पैदा करता है, रोग होने ही। प्राचीन काल में भारत के लोग लोटा में पानी रख के रात में सोते थे गांव में, और सुबह जागरण के साथ पहला काम क्या करते थे, उस लोटा में रखा हुआ पानी को, उसका नाम क्या था उस पानी पीने का, जलपान, क्या नाम था। लेकिन आजकल जलपान को भी लोग भोजने, यहां जलपान मिलता है पूरी कचौड़ी सब्जी, अरे जलपान, जल का पान, उसको भी चूंकि सेंटिमेंट आपका भोजन पर ज्यादा हो गया, पानी जलपान, पानी वाटर थेरेपी, इसका नाम क्या है, वाटर थेरेपी, पी के एक महीना प्रयोग करके देख लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, जिसको गैस बनता है, खाना नहीं पचता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, ये प्रयोग करके देख लो, आपको लाभ मिलेगा। अरे ये ठीक रह तो तब ना, नहीं तो आ बारहवीं घंटा समय लगे मी बा एक बजे तक भैया थे, अगला अगर ज्यादा दिन तक एक से डेढ़ बजे तक पढ़े तो मानसिक रोगी होने की संभावना 99% है, और आपको मनोरोगी के यहां जाना होगा, और अगर ज्यादा कुछ हुआ तो पागलखाना जिंदाबाद, और बिहार में दुर्भाग्य से एक भी पागलखाना नहीं है, बंटवारा हुआ तो झारखंड वाला अपने यहां ले गया, हमको दे दीजिए, यहां ज्यादा लोग पगला रहा है। लेकिन अब हम सरकार से डिमांड करते हैं कि एक बढ़िया किस्म का पागल खाना हमारे बिहार में भी खोला जाए, आप एम्स खोल रहे हो, एनएमसीएच, पीएमसीएच, आईजीएमएस, एक पागल खाना खोलने में आपको क्या दिक्कत है। जितना जल्दी हो सरकार इस पर ध्यान दे, आने वाले दिनों में टन का टन माल मिलेगा, कहां से, लॉज से, हॉस्टल से, रूम से, चौकी टूट गए चाचा देख लेना, मैं अभी आप हंस रहे हो लेकिन मैं सीरियसली कह रहा हूं, सीरियस कह रहा हूं, अगर नहीं सुधरे आप, अगर आप नहीं सुधरे आप चौकी वाला का बात सुनते रहे, इसलिए भैया खान पान शुद्ध कर, अंकुरित अन्न का सेवन करिए, अंकुरित अन्न, अभी देखिए आप लोग तो कौन जमाना में जन्मे हैं, गांव में पहले लोग ललका भात खाता था, गरीब आदमी सब देखें ललका भात, इसमें कितने लोगों ने देखा है उसना ललका भात। अगर आज किसी के दरवाजे पर जाइए और आपको ललका भात अगर उपलब्ध करा दे तो आप क्या कहिएगा, एकदम दरिद्रे हले बोलिएगा, देखिए ईमानदारी से बोलिए, अगर कोई बर्तुहारी में गया और उसके यहां ललका भात खिलाया, लेकिन आप सुन लो, जितने 5 स्टार होटल हैं, पटना में भी एक 3 स्टार 4 स्टार होटल है, होटल मौर्य, और देश के कई बड़े बड़े 5 स्टार और 7 स्टार होटल की बात मैं कर रहा हूं, जहां बड़े बड़े लोग जाते हैं, वो ललका भात का नाम क्या रखा है जानते हैं, ब्राउन राइस। और ब्राउन राइस का जो कीमत है जनरल राइस से 10 गुना ज्यादा, और खा कौन रहा है, जितने हाई फाई सोसाइटी के लोग हैं। हमको एक बार एक आदमी कहा ब्राउन राइस खाए,
तो हम थोड़ा सोचने लग गए कि अगर पूछे तो सोचेगा ये बेवकूफे है क्या, तो इसको पता नहीं है, लेकिन सही में मैं नहीं समझ पाया। तो मैंने सोचा इतना महंगा है ब्राउन राइस, जरूर उसमें कुछ विशेष चीज होगा। तो हमने उसके जो बनाने वाला था उससे पूछे कि भाई ये ब्राउन राइस, कहा कि सर गांव में पहले ललका भात आता था। हम कहे हाँ हाँ ललका भात, वही है ब्राउन राइस, ब्राउन राइस। अरे कहाँ हो रहे बुड़बकहा, बुद्धि कहाँ चल गेलो, साइकिले में घुसल हो कि चाइने में घुस गेलो। हम बिहारी, हम रेलवे में ढुकेंगे भैया, पियो बनबो पियो, सिजली भैया सिजली, गिर जतो बिजली, चलो एखन। अरे अपने चीजों पर आपको दूसरे के बहकाने में फंस जाते हैं। ब्राउन राइस, गांव में जाइए लोगों को कहिए चचा ब्राउन राइस खाइए, ये का हो रे, तो क्या कहिएगा, ललका भात चचा। और वो इतना पौष्टिकारक है, इतना शक्तिशाली है कि ये भात इतना और ललका भात इतना इनर्जेटिक है। आज पेपर में छपा है विदेशों में ब्राउन राइस इंडिया सप्लाई करने वाला है।